इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मेटल्स, ठीक है, मेटल्स और उसके प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, ठीक है। एलिमेंट्स को तीन टाइप में क्लासिफाई कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप लोग पॉइंट डाल लीजिए, ऑल द एलिमेंट्स आर क्लासिफाई इनटू थ्री टाइप्स, ओके। ऑल द एलिमेंट्स आर क्लासिफाई इनटू थ्री टाइप्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके तीन टाइप में क्लासिफाई कर दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज मेटल्स, ओके। फर्स्ट क्या है आपका, मेटल्स है। सेकंड है नॉन मेटल्स, क्या है सेकंड, नॉन मेटल्स हो गया। थर्ड आपका मेटलॉइड्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेटलॉइड्स हो जाएगा। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि एलिमेंट्स को तीन टाइप में क्लासिफाई कर दिया गया, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो इस वीडियोस में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, कि सिर्फ मेटल्स के बारे में बात करेंगे, मेटल्स की प्रॉपर्टी और मेटल की डिफिनीशन को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियोस में, ओके। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज मेटल। सबसे फर्स्ट हम लोग को ये समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज मेटल। तो इस वीडियोस में हम लोग मेटल्स की प्रॉपर्टी को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले डिफिनीशन समझ लीजिए, मेटल्स होता क्या है, ठीक है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि द सब्सटेंस विच कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जिस सब्सटेंस में हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उसी को मेटल्स बोलते हैं, ठीक है। एक बार फिर से डिफिनेशन समझिए, व्हाट इज मेटल, द सब्सटेंस विच कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज नोन एज मेटल्स, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी में मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ, बट यहाँ पे नोट कर लीजिए, द सब्सटेंस विच कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज मेटल्स, ठीक है। मेटल की डिफिनेशन पता चल गया कि जो सब्सटेंस हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं उसको मेटल्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आप लोग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, क्या डालेंगे आप लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ये टॉपिक है जिसमें मैं एक एक करके टॉपिक आप लोग को एक एक प्रॉपर्टीज बताने वाला हूँ। तो मेटल्स की डिफिनेशन समझ में आ जानी चाहिए कि मेटल्स जो होते हैं ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें हीट भी पास हो जाए और इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो इतना बड़ा एक आयरन रॉड है, सपोज करो ये क्या है आपके पास, आयरन का रॉड है, ठीक है। आप लोग को पता होना चाहिए कि जो मैटर्स होते हैं वो बहुत छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। देखिए बहुत ही छोटा छोटा पार्टिकल से ये, ठीक है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है ये। कोई भी चीज़ होगा, कोई भी मैटर होगा, तो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर ये बना होगा। जब यहाँ पे हम लोग हीट इसको करेंगे तो ये पार्टिकल पहले क्या होगा, हीट होगा, फिर इस पार्टिकल हीट होने के बाद सबको एक एक दूसरे को पास करते जाएंगे, ये हीट इसको पास कर देगा, फिर हीट इसको ऐसे पास करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि रॉड यहां तक पूरा आपका क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। तो ये मेटल्स जो है हीट कंडक्ट करते हैं, और तो और इलेक्ट्रिसिटी अगर यहाँ पे हम दे दें तो यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगा। आयरन के रॉड पे अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी दे दिया जाए तो इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, अगर टच करेंगे तो आपको खुद करंट की फील होगी, ठीक है। तो चलिए, तो फर्स्ट क्या होता है आपका डिफिनेशन में तो क्लियर कर लीजिए कि जिस सब्सटेंस में हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उसे बोलते हैं मेटल्स, ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद मेटल्स की फर्स्ट प्रॉपर्टी को मैं डिस्कस कर दूँ तो लिखेंगे मेटल्स आर मैलिएबल। क्या लिखेंगे, मेटल्स आर मैलिएबल। मेटल्स क्या होते हैं, मैलिएबल होते हैं। क्या होते हैं मेटल्स, मैलिएबल होते हैं। अब ये मैलिएबल क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि आयरन के जो रॉड होते हैं अगर उसको हैमर से बीट कर दिया जाए, आयरन के रॉड को अगर हैमर से बीट करें तो आयरन का रॉड क्या होगा, वो आयरन का रॉड थिन सीट में कन्वर्ट होने लगेगा। क्या होगा, थिन सीट में कन्वर्ट होता, वही उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि when metals are beaten by hammer then it converted into thin sheet, that is known as malleable, ठीक है, वो malleable हो गया। तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ मेटल के पास होती है। अगर स्टोन इतना बड़ा आपके पास हो, स्टोन को अगर एक हैमर मारा जाए तो क्या होगा, ये छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाएगा, इसके पास मैलेबिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए व्हाट इज मैलिएबल। मैलिएबल समझ में आ गया ना, कि मेटल्स को अगर आप हैमर से बीट करते हो तो पतली सीट में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज नोन एज मैलिएबल। तो मेटल्स हैव प्रॉपर्टी ऑफ मैलिएबल, मेटल के पास किसकी प्रॉपर्टी होती है, मैलिएबल की होती है। समझ में आ गया, ओके। सेकेंड, मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स क्या होते हैं आपके, डक्टाइल होते हैं। अब ये डक्टाइल क्या होता है,
तो मेटल्स को आप क्या कर सकते हो, थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। मेटल के पास प्रॉपर्टी होती है कन्वर्ट होने के लिए थिन वायर्स में। अगर मैं बात करूं एग्जांपल की, तो 100 मिलीग्राम आपके पास अगर सिल्वर हो, कितना 100 मिलीग्राम आपके पास क्या हो, सिल्वर हो, तो उसको हम 200 मीटर लॉन्ग थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप सोच लीजिए कि 100 मिलीग्राम कितना कम होता है, ठीक है, 100 मिलीग्राम काफ़ी कम, ग्राम की बात नहीं हो रही, मिलीग्राम है यहाँ पे। तो 100 मिलीग्राम अगर आपके पास सिल्वर है तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 200 मीटर थिन वायर में। तो ये प्रॉपर्टी किसके पास होती है, मेटल्स के पास होती है। तो मेटल अपने आप में मैलिएबल है, मेटल्स अपने आप में क्या है, डक्टाइल है। मेटल्स को अगर पीटेंगे तो थिन सीट में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल्स को चाहें तो थिन वायर में हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी की अगर बात करूँ तो मेटल्स जो होते हैं, लिखेंगे मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। मेटल्स जो होते हैं ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। अगर मेटल्स में हीट पास कर दिया जाए तो वो एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरा पास हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। अगर यहाँ पे मेटल्स को हीट किया जाएगा तो एक टाइम आएगा कि यहाँ तक पूरा क्या होगा, हीट हो जाएगा। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो यहाँ तक क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पहुँचेगी। मेटल्स में क्या होता है, मेटल्स क्या करते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि कोई ऐसा मेटल बताइए जो गुड कंडक्टर हो हीट का। सारे मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं, बट अगर सिल्वर मेटल की मैं बात कर दूं, ठीक है, किसकी, सिल्वर मेटल की मैं बात कर दूं, ठीक है, तो सिल्वर मेटल जो है आपका ये गुड कंडक्टर होता है हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि विच मेटल इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो आप क्या बताएंगे, सिल्वर। वैसे सारे के सारे मेटल्स जो होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं, बट सिल्वर के पास क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है गुड कंडक्टर की, जो इजिली क्या करता है, करेंट्स को कंडक्ट कराने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ मेटल्स जो होते हैं आपके क्या होते हैं, मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग, मेटल्स जो होते हैं क्या होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। मेटल्स क्या होंगे आपके, स्ट्रॉन्ग मेटल्स जो होते हैं ये मजबूत होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग मीन्स क्या होता है। देखे थे आप लोगों ने देखा होगा कि जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं, जो ब्रिज होती हैं, कार बॉडीज होती हैं, सारे के सारे किसके बनाए जाते हैं, आपके मेटल्स के ही तो बनाए जाते हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है, तभी तो उसका बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग, देखिए इसमें एक्सेप्शनल भी चलता है, ठीक है। मेटल्स जो होते हैं आपके सारे के सारे मेटल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट सोडियम पोटेशियम जो होते हैं ये थोड़े स्ट्रॉन्ग तो नहीं माने जाते हैं, ठीक है। इनको अभी मैं बता देता हूँ उनको भी, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा मेटल्स आर हार्ड, मेटल्स आर जनरली हार्ड, ठीक है। मेटल्स क्या लिखेंगे, जनरली हार्ड होता है मेटल्स, ठीक है। हार्ड मीन्स यहाँ पे कठोर होगा और यहाँ पे क्या होता है, आपका मजबूत भी होता है। मेटल्स जो होते हैं ये कठोर और मजबूत दोनों होते हैं, हार्ड भी होंगे आपके और क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग भी होंगे। एक्सेप्शनल चलता है सोडियम और पोटेशियम के साथ, जो सोडियम होता है और पोटेशियम होता है ये एक्सेप्शनल दिखाते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं, इनको नाइफ से अगर काटा जाए, चाकू से, पनीर की तरह होता है ये। अगर मैं बात करूँ सोडियम का, तो सोडियम को केरोसिन ऑयल में रखते हैं, ठीक है। सोडियम किस में रहता है, केरोसिन ऑयल में डाला जाता है, और एकदम चीज़ जैसे, पनीर जैसे होती है, उसी तरीके का सोडियम होता है। चाकू से अगर हम काटें सोडियम को तो ईजिली कट जाएगा, ये है मेटल, बट नाइफ की मदद से, चाकू की मदद से अगर हम काटना चाहें तो आप सोडियम मेटल को कट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो सोडियम जो होते हैं, मेटल्स जो होते हैं आपके जनरली हार्ड होंगे, मेटल्स जो होते हैं जनरली क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, मेटल्स जो होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, मेटल्स जो होते हैं मैलिएबल्स होते हैं, डक्टाइल होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स आर सोनोरस, मेटल्स आपके क्या होंगे, सोनोरस होते हैं। अब ये देखिए सोनोरस मीन्स क्या होता है, साउंड प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है। मेटल्स के पास रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होने की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। आपने देखा होगा कि जो वायलिन होता है, जो सितार होती है, जो गिटार लगे होते हैं, उसमें पतले पतले मेटल्स के स्ट्रिंग धागे होते हैं, ठीक है। जो वायलिन होता है आप ऐसे बजाते जब हैं वायलिन को, तो उसमें स्ट्रिंग लगी होती है, वो मेटल्स होते हैं। जब मेटल्स आपस में टकराते हैं तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वही सोनोरस कहते हैं उसको, ठीक है। तो मेटल्स के पास प्रॉपर्टी होती है रिंगिंग साउंड की, दैट इज नोन एज सोनोरस, ठीक है। तो इसी वजह से हम लोग बोलेंगे मेटल्स हैव प्रॉपर्टी ऑफ सोनोरस। मेटल के पास किसकी प्रॉपर्टी होती है, तो सोनोरस होता है मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं आपके, सोनोरस होते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आप लोग को, मेटल्स क्या होते हैं आपके, सोनोरस होते हैं। सेवन देखिए, मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स आपके, मेटल्स आर लस्ट्रस,
ठीक है, मेटल्स आर लस्टर, लस्टर होता है। सोनोरस तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। साउंड प्रोड्यूस, जब बेल वगैरह बजता, घंटे वगैरह मंदिर में देखते हैं बजाते हैं तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। तो मेटल्स जब आपस में टकराते हैं तो कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं, रिंगिंग साउंड। तो वो तो सोनोरस की स्टोरी थी, बट ये लस्टर क्या होता है, ठीक है। मैं लस्टर की बात कर दूं तो लस्टर का मतलब होता है शाइनिंग सरफेस। आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा शाइनिंग सरफेस, ठीक है। क्या लिखेंगे, शाइनिंग सरफेस, ठीक है। मेटल के पास, मेटल का जो सरफेस होता है ना वो बहुत शाइनिंग करता है। गोल्ड आपने देखा होगा या सिल्वर आप देखे होंगे, तो उसकी जो सरफेस होती है क्या करती है, बहुत ही चमकती है, ठीक है, शाइन करती है। जो गोल्ड का सरफेस होता है वो क्या होता है, बहुत ही शाइनिंग करता है, ठीक है। तो सारे मेटल्स क्या होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, ठीक है। सारे मेटल्स क्या होते हैं, लस्ट्रस होते हैं। इतना चीज़ आपको क्लियर हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो मेटल्स आर हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ये समझ लीजिए आप लोग। जैसे सॉलिड से अगर हमको लिक्विड बनाना हो, मेटल्स में आप लोग को दे दूँ, मेटल्स दे दूँ आप लोग को, और सॉलिड मेटल तो दूंगा आपको, ठीक है, मेटल्स में आपको सॉलिड दे दूंगा। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 9 वाला मैं एक बार लिख देता हूँ, ठीक है। मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, रूम टेम्परेचर में, ठीक है, रूम टेम्परेचर। ऑल मेटल्स लिख लीजिए यहाँ पे, ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, एक्सेप्शनल है मरकरी को छोड़ के, ठीक है, एक्सेप्ट मरकरी। अभी इनको पहले समझिए, मेटल्स आर हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेटल्स की जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपको मैं आयरन का रॉड दे दूं, आयरन के रॉड को अगर आपको मेल्ट कराना हो तो नियर अबाउट आपको टेम्परेचर 1600 डिग्री सेल्सियस देना पड़ सकता है। वो काफ़ी हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है, 1600 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है। इस वजह से इसकी देखिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। बट इसमें भी एक्सेप्शनल है कुछ, जैसे सोडियम पोटेशियम हो गए आपके, ये एक्सेप्शनल में चलते हैं। सोडियम पोटेशियम को बहुत कम ही टेम्परेचर पे ये क्या हो जाएंगे आपके, मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम को बहुत कम टेम्परेचर पे क्या हो सकते हैं, वो नियर अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस, नियर अबाउट लेस देन 100 डिग्री बोल दीजिए, लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या हो सकते हैं, मेल्ट हो सकते हैं, कौन, सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। यहां तक तो क्लियर हो गया आपका। तो जितने मेटल्स होते हैं रूम टेम्परेचर में, सारे के सारे मेटल्स सॉलिड होते हैं। ऑल द मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी को छोड़ के। मरकरी एक ऐसा मेटल होता है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा विच मेटल्स फाउंड इन लिक्विड स्टेट, तो आप बोलेंगे मरकरी, ठीक है। कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में मिलता है, तो कौन सा मेटल है, मरकरी है, ठीक है। कौन सा मेटल है, मरकरी है, ठीक। आप लोग को क्लियर हो रहा है क्या क्या बता रहा हूँ मैं। जितने भी मेटल्स होते हैं सारे के सारे मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी को छोड़ के सारे मेटल्स जो होते हैं वो क्या होंगे आपके, क्या होते हैं आपके, ठीक है, सॉलिड होंगे। मरकरी आपका एक ऐसा होता है मरकरी जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या बताया था, मेटल्स जो होते हैं उनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। ये चीज़ें आप लोगों को पता चल गया होगा कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उसके स्टेट को चेंज करना, ठीक है। मेटल्स के स्टेट को हम क्या करते हैं, चेंज करने, ठीक है, यही बात हो गई, ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेटल्स की जो डेंसिटी होती है वो भी क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर 10th एक और प्रॉपर्टी में लिख देता हूँ, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। मेटल की जो डेंसिटी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। मेटल की डेंसिटी भी क्या होती है आपकी, ज़्यादा। अगर इतनी बड़ी मैं मेटल्स दे दूँ आपको और हैवी, आपको जब हाथ में लेने के बाद उसका जो वॉल्यूम होगा, कम ही वॉल्यूम में वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होगा। आपको जब उसे उठाएंगे तो लगेगा हैवी, भारी लग रहा है आपको, ठीक है। तो मैं बात कर लूँ इतनी प्रॉपर्टीज़ आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ, व्हाट इज़ मेटल्स। देखिए मेटल की कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया, ठीक है। अगले वीडियोज़ में आप लोग को मिलेगा नॉन मेटल्स और उसकी प्रॉपर्टी। इस वीडियोज़ में सिर्फ आपको मेटल्स और उसके प्रॉपर्टीज़ को आना चाहिए था, ठीक है आप लोग को। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करा लीजिए, व्हाट इज़ मेटल्स, मेटल्स क्या होते हैं। तो मेटल्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करूँ तो आयरन,
गोल्ड, सिल्वर, मर्क्यूरी, ओके, मैग्नीशियम, सोडियम, ठीक है, जितने भी जिंक, ठीक है, ये सारे एल्युमिनियम, ये जितने भी मेटल्स हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए तो मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। मेटल्स की फर्स्ट प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूँ तो मेटल्स जो होते हैं ये मैलिएबल होता है। फर्स्ट मेटल्स क्या होते हैं, मैलिएबल होते हैं। मैलिएबल क्या होता है, मैलिएबल मीन्स होता है when metals are beaten by hammer then it convert into thin sheet। जब आप metals को हथौड़े से पीटेंगे, metal को, लोहे को, लोहा एक पाइप का लोहा, ठीक है, एक लोहे का पाइप, उसको अगर हथौड़े से मारेंगे तो लोहा चपटा होता जाएगा। एक आयरन रॉड है, आयरन रॉड को अगर हथौड़े से पीटा जाए तो क्या होगा, आयरन का रॉड चपटा होता चला जाएगा, ठीक है। तो इस यही मैलिएबल होती है, ठीक है। तो फर्स्ट पता चल गया आप लोग को, मेटल्स जो होते हैं मैलिएबल होते हैं। मेटल्स डक्टाइल होते हैं, डक्टाइल का मतलब दे हैव प्रॉपर्टी टू कन्वर्टेड इंटू थिन वायर। मेटल्स के पास प्रॉपर्टी होती है थिन वायर में कन्वर्ट होने की। एग्जाम्पल की बात कर लूँ मैं अगर, तो 100 मिलीग्राम सिल्वर मैं आपको दे दूँ, 100 मिलीग्राम सिल्वर को आप 200 मीटर थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। 200 मीटर काफ़ी ज़्यादा हो गया, क्योंकि 100 मिलीग्राम की बात हो रही है, ना कि ग्राम की बात हो रही है, ठीक है। चलिए फिर मेटल्स जो होते हैं ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। अगर कोई मेटल्स पूछ लिया जाए कि कोई बेस्ट मेटल बताइए जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता हो, तो आप क्या बोलोगे गुड कंडक्टर्स, तो बोलना सर सिल्वर जो है ये गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। मेटल्स जो होते हैं ये स्ट्रांग होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं आपके, स्ट्रांग हो जाएंगे। जितने भी मेटल्स होते हैं काफ़ी मजबूत होते हैं। देखा होगा आपने रेलवे ट्रैक्स, जो ब्रिज होती हैं, कार की जो बॉडीज़ होती हैं, बहुत से आयरन ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं, आयरन से, इसी वजह से बनाते हैं ताकि वो क्या हों, मजबूत हों, ठीक है। नहीं तो प्लास्टिक का बना दें तो क्या होगा, ठीक है, पता चल रहा है आपको। चलिए उसके बाद मेटल्स जो होते हैं हार्ड भी होते हैं आपके, स्ट्रांग के साथ साथ ये क्या होते हैं आपके, हार्ड भी होते हैं, ठीक है। मेटल्स जो होते हैं ये लस्टर होते हैं। लस्टर मीन्स क्या होता है, शाइनिंग सरफेस में समझ लीजिए चमकदार सतह होती है। गोल्ड सिल्वर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, ये चमकते हैं, ठीक है। गोल्ड काफ़ी ज़्यादा शाइन करते हैं, ठीक। उसके बाद पूछा जाए कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो बोलिएगा सर मेटल्स की जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, नियर अबाउट 1600 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे आयरन मेल्ट होगा। अगर एक आयरन का रॉड दे दूँ, इसे मेल्ट कराना हो तो नियर अबाउट 1600 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देना पड़ सकता है। कॉपर की अगर बात करूँ तो कॉपर को नियर अबाउट 1200 डिग्री सेल्सियस पे वो मेल्ट होगा। तो बात को समझ रहे हैं क्या बता रहा हूँ मैं, तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर देने के बाद तो मेल्ट होगा, तो वजह से इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है। तो मेटल्स जो होते हैं सारे के सारे मेटल्स जो होते हैं ये सॉलिड होते हैं। ऑल द मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे सारे मेटल्स जो होते हैं सॉलिड होते हैं। अगर एक्सेप्शन की बात करूं तो मर्करी जो है ये आपका एक्सेप्शनल है, ठीक है। मेटल्स की जो डेंसिटी होती है ये भी क्या होती है, काफी ज़्यादा होती है। अगर एक्सेप्शनल की बात कर दूँ तो सोडियम पोटेशियम की ये एक्सेप्शनल है, ठीक है। सोडियम पोटेशियम जो होता है ये आपका एक्सेप्शनल हो जाएगा। अभी इस टॉपिक में कोई भी डाउट होगा तो आप फिर से, ठीक है, बताएंगे तो फिर मैं इसके बारे में फिर से आप लोग को एक नई वीडियोज़ के साथ फिर से आप लोग को पेश करूँगा इसके बारे में, ठीक है। अगर अनदर वीडियोज़ जो आपको मिलने वाली है वो नॉन मेटल्स की मिलेगी, उसके प्रॉपर्टी के साथ, ओके। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए जो भी मैंने इस पर लिखा हुआ है, ठीक है। कोई भी डाउट होता तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, ओके, थैंक यू।